हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर रिवीजन लेक्चर्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद कॉम्पोजिशन स्कीम टुडे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देर आर टू स्कीम्स विच आर देयर। वन इज़ वेर इन यू कैन ऑप्ट फॉर द रेगुलर स्कीम अंडर GST, दैट इज़ योर सेक्शन 9। एंड द अदर वन इज वेर इन यू ऑप्ट टू पे कंसेशनल GST, दैट इज़ योर कॉम्पोजिशन स्कीम। दिस स्कीम is applicable only for small taxpayers. This is not applicable to everyone. This is an optional scheme. मतलब एक बंदा अगर चाहे तो वो regular scheme में भी जा सकता है और he can go into composition scheme. Composition scheme में जाने से फायदा ये है कि आप reduced rate पे tax pay करेंगे। समझो कोई commodity का rate 12% है, ठीक है? तो अगर आप रेगुलर स्कीम में हो तो आप क्या करोगे, 12% GST पे करोगे आउटवर्ड पे, उस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लोगे एंड नेट टैक्स यू विल बी पेइंग इन कैश। दिस इज योर रेगुलर स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम इज वेयर इन यू डोंट टेक एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। वट एवर परचेसेज यू मेड यू विल नॉट बी गेटिंग एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे उसके ऊपर आपको फ्लैट रेट पे GST पे करना पड़ेगा विदाउट कलेक्टिंग इट फ्रॉम योर रेसिपिएंट। मतलब जिसको आप माल बेच रहे हो उससे आप कलेक्ट GST नहीं कर सकते। आपने जो परचेसेस किए थे उसका ITC आप नहीं ले सकते। आपको फ्लैट, आपने 10,000 का माल बेचा उसके ऊपर फ्लैट रेट, फॉर एग्जांपल लेट से द रेट इज 1%, यू विल हैव टू पे 1% डायरेक्टली ऑन दी व्हाट, ऑन दी सेल अमाउंट और दी आउटवर्ड सप्लाई दैट यू मेड। Then there is other difference wherein if you are a regular supplier, what happens is you issue a tax invoice for all the taxable supplies that you make, you issue a tax invoice. But in case of a composition dealer, because he is not charging any tax from the recipient, what he'll do is he'll issue a bill of supply. Kya issue karega? Bill of supply. उसके ऊपर वो टैक्स अमाउंट लिखेगा क्या? तो आंसर इज नो। क्या वो टैक्सेबल वैल्यू लिखेगा? नो। इट विल ओनली बी एन अमाउंट ऑन विच ही विल बी चार्जिंग GST एंड विल डिपॉजिट हिमसेल्फ बाय यूजिंग हिज ई कैश लेजर ओनली। ही कैन नॉट यूज बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर। वैसे तो ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस ही नहीं होगा बिकॉज ही इज नॉट अलाउड टू टेक एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके अलावा उसको अपने बिल के ऊपर लिख के चलना पड़ेगा कि दैट ही इज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, जो उसका बिजनेस प्लेस है उसके इधर भी लिखना पड़ेगा कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन है बोल के। सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस विच आर देयर। हम सारी चीजें पढ़ लेंगे डिटेल में, बट आपको क्या लगता है क्यों लाया गया होगा ये कॉम्पोजिशन स्कीम? तो कॉम्पोजिशन स्कीम बेसिकली लाया गया था फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। ये ऑप्शनल था, दिस वॉज नॉट मैंडेटरी। इट इज एन ऑप्शनल स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर टू पे GST एट अ लो रेट बेस्ड ऑन दी टर्नओवर। जो टर्नओवर होगा उसका आपको फ्लैट रेट पे GST भर देना है। चलिए, कॉम्पोजिशन में जाने से फायदे क्या हो जाएंगे? लो टैक्स रेट लगेगा, कैलकुलेशन सिंपल है एंड जो कंप्लायंस बर्डन है वो बहुत कम है। जैसे यहाँ पे रेगुलर टैक्स पेयर को GST R1, 2, 3, 3B ये सब भरना पड़ता है, राइट? यहाँ पे देर इज ओनली एंड ओनली वन रिटर्न विच इज टू बी फाइल्ड एंड दैट टू क्वार्टरली। एंड जो मेन रिटर्न है वो तो एनुअली भरना है। CMP 08 बोल के एक स्टेटमेंट देना पड़ता है विच कैप्चर्स योर सप्लाई रिलेटेड डिटेल कि आपने वो क्वार्टर में कितने सप्लाईज किए। उसके ऊपर जो भी आपने सप्लाईज किए होंगे उसके ऊपर फ्लैट आपको GST पे कर देना है। दिस इज दी ओनली स्टेटमेंट दैट यू हैव टू सबमिट क्वार्टर दैट टू क्वार्टरली। Whereas in regular, you'll have to submit your GST R1, ठीक है? GST R2 तो है नहीं, 3 है नहीं, तो 3B submit करते हो। So there are two statements or returns which you are filing, right? And that too monthly. यहाँ पे एक return, that too quarterly. And एक जो main return है GST R4 जिसको आप बोलते हो under composition scheme, ये returns में भी हम आगे और detail में चर्चा कर लेंगे, but GST R4 जो है वो एनुअली भरना है, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि कंप्लायंस में भी कितना बर्डन कम हो जाता है और जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है रिलेटेड टू योर इनपुट टैक्स क्रेडिट का वगैरह, वो आपको रेगुलर में मेंटेन करने पड़ेंगे। यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने ही नहीं वाला है, राइट? सो देर आर सम रिलैक्सेशन रिलेटेड टू योर बुक्स एंड अकाउंट्स
रिकॉर्ड से रिलेटेड, जो एक्चुअल में हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है एट सीए इंटर लेवल, ठीक है। सो देर आर दीज रिलैक्सेशन विच कम वेन यू आर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन। चलिए सर, अब ये डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर की, इसको करने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जीएसटी का जो कॉम्पोजिशन थीम है उसमें सबसेक्शंस कितने हैं और उन सबसेक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। सो बेसिकली देर आर फाइव सबसेक्शंस इन योर सीजीएसटी एक्ट। देर आर फाइव सबसेक्शन रिलेटेड टू योर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम इज सेक्शन 10। उसमें पहला सबसेक्शन जो है वो बात करता है कि एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट डिसक्वालिफिकेशन। सबसेक्शन 2A बोल के एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज एप्लीकेबल फॉर योर नवंबर अटेम्प्ट और नवंबर एग्जाम्स ऑफ 2020 बट नॉट फॉर योर जुलाई एग्जाम्स, राइट। सो जुलाई वालों के लिए मैं इसकी बात नहीं करूंगा 2A की। लास्ट में जब मैं एंड करूंगा ये रिवीजन लेक्चर तो मैं 2A के बारे में बता दूंगा फॉर पीपल हु आर गिविंग नवंबर अटेम्प्ट, राइट। सो सबसेक्शन 10(3) जो है वो बात करता है कि कब लैप्स हो जाएगा आपका कॉम्पोजिशन स्कीम। एंड सबसेक्शन 10(4) टॉक्स अबाउट इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम यू कैन नॉट टेक ITC नॉर यू कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम योर रेसिपिएंट। एंड लास्ट सबसेक्शन टॉक्स अबाउट इफ यू हैव रॉन्गफुली अवेल्ड कॉम्पोजिशन स्कीम। आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हो फिर भी आपने अगर कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल टैक्स एंड पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। चलिए सर, एक्सीलेंट। तो अब हम बात करते हैं, लेट्स फर्स्ट कंप्लीट योर एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट एंड देन वी कम टू योर सबसेक्शन। सो देर आर टू डेफिनेशंस ऑफ टर्नओवर विच आर देयर इन योर जीएसटी। सो फर्स्ट इज योर एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन एंड द अदर वन इज टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बेसिकली बोथ दी डेफिनेशंस अगर आप कंपेयर करोगे तो आर ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट, ठीक है। वो वन पॉइंट भी क्या है वो भी हम बात कर लेंगे। चलिए तो पहले हम एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। एग्रीगेट टर्नओवर means it is an exhaustive definition. The aggregate value of all taxable supplies, excluding inward supply on which tax is payable by a person on reverse charge basis. मतलब जो आप inward supplies लेके आए जिसपे आपको reverse charge pay करना पड़ा वो आपका aggregate turnover में नहीं आएगा। जैसे आपने advocate की service ले ली और उसके ऊपर आपको GST pay करना पड़ा तो will that form part of your aggregate turnover? So answer is no. Then your exempt supplies जो भी होंगे वो आपके पार्ट बन जाएंगे ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। नाउ सेक्शन 247 ऑफ योर CGST एक्ट टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ exempt supply. Exempt supply includes योर nil rated, योर non-GST supplies, एंड योर exempt supplies. क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें? तीन चीजें। exempt supply includes your nil rated supplies, your non-GST supplies. Non-GST supplies basically मतलब होता है आपके petroleum and alcohol, petro products जो है पांच वो और alcoholic liquor. exempt supplies मतलब जिनको exempt कर दिया गया है under notification of exemptions. Services के लिए जैसे 12/2017 है, राइट। तो उसके अंडर जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है तो इवन दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। देन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सपोर्ट्स विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर ऑल्दो इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन योर ऑल टैक्सेबल सप्लाईज बट फिर भी उन्होंने अलग से मेंशन कर दिया। इंटर स्टेट सप्लाईज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली बट दे हैव स्टिल मेंशनड इट स्पेसिफिकली अलग से। तो देखिए क्या क्या इंक्लूड होगा। एग्रीगेट टर्नओवर विल इंक्लूड योर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, उसके बाद आपके एक्सपोर्ट्स एंड लास्ट में आपका क्या बोला है सर लास्ट में है आपका इंटर स्टेट सप्लाई। बट क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेगा ये लाइन मैं अभी छोड़ दे रहा हूं, अभी के लिए मैं ये लाइन नहीं पढ़ रहा हूं। बट क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेगा तो सेंट्रल टैक्स,
स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस, बेसिकली जीएसटी वाले टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करना। मतलब जीएसटी वाले टैक्सेस को छोड़ के और कोई टैक्स लग रहा होगा, जैसे एक्साइज ड्यूटी लग रही है, जैसे वैट लग रहा है, जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स लग रहा है, तो ये सारी चीजें क्या ये पार्ट बन जाएगा आपका एग्रीगेट टर्नओवर का? तो द आंसर इज यस। सर अभी तो आप बोले थे थोड़े दिन पहले कि ये सब तो सब क्यों हो गया, मेरे भाई कुछ चीजें ऐसी है जिन पे आज भी ये सारे टैक्सेस लगते हैं, जैसे आपका अल्कोहलिक लिकर है, राइट? अल्कोहलिक लिकर पे लगता है कि नहीं स्टेट एक्साइज ड्यूटी? बेचते हो तो क्या लगता है, वैट लगता है कि नहीं? वैसे ही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो इंक्लूड होगा कि नहीं एग्रीगेट टर्नओवर में, सो दैट विल बी इंक्लूडेड। बट ये जो पॉइंट है ये है मेन डिस्टिंग्विश का, दोनों जो डेफिनेशंस है उसमें बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ ये पॉइंट जो मैंने अभी हाईलाइट किया है दैट इज ओनली डिफरेंट। तो देखो ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है इट विल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, दैट इज सेम पैन पे जितने भी रजिस्ट्रेशन रहेंगे, महाराष्ट्र में एक रजिस्ट्रेशन है, गुजरात में एक रजिस्ट्रेशन है, राजस्थान में एक रजिस्ट्रेशन। तो जब भी मैं एग्रीगेट टर्नओवर की बात करूंगा तो इन तीनों का टर्नओवर साथ में लेके उसको बोलेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। अब जब मैं टर्नओवर इन स्टेट की बात करूंगा तो समझो महाराष्ट्र में उनके 5 जगह पे आउटलेट्स हैं, समझो पुणे में है, मुंबई में है, नासिक में है, नागपुर में है और एक ले लो लातूर में। तो ये जो 5 जगह है इन सब के टर्नओवर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, टर्नओवर इन स्टेट। सो एग्रीगेट टर्नओवर इज पैन इंडिया एंड टर्नओवर इन स्टेट इज मतलब वो स्टेट में जितने भी एंटिटीज है वो सेम पैन के अंडर, तो दैट विल बी योर टर्नओवर इन स्टेट। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। चलिए सर अगर इतना समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन सेक्शंस पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बेसिकली कौन कौन लोग ऑप्ट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट कॉन्ट्ररी टू कंटेंट इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 93 एंड 94। देखिए चलिए मैं आसान सी भाषा में बोल देता हूँ क्या लिखा है। देखो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट विच इज कॉन्ट्ररी, मतलब जितनी भी चीजें हैं ये एक्ट में सबको ओवरराइड कर रहा है, सेक्शन 10 विल प्रिवेल एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, प्रोविजन ऑफ 93 और 94 जो है वो एप्लीकेबल होंगे। मतलब बेसिकली ये जो सेक्शन 9 में लेवी एंड चार्ज है उसको ओवरराइड कर रहा है और बोल रहा है कि जिन लोगों का जो भी रजिस्टर्ड लोग है और जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एक्सीडिंग ₹50 lakhs, कहाँ क्या बोला है 50 lakhs, ये एक्ट की भाषा है, मैं सिर्फ एक्ट में क्या लिखा है वो पढ़ रहा हूँ, मे ऑप्ट इन लियू ऑफ टैक्स पेएबल बाय हिम अंडर सेक्शन 91 एनी अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 7 ऑफ CGST बट नॉट एक्सीडिंग, ये रेट्स दिए हुए हैं ठीक है, मैक्सिमम ये रेट्स हो सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर के केस में 1% ठीक है, 2.5% इन केस ऑफ रेस्टोरेंट और आउटडोर केटरिंग एंड 0.5% इन केस ऑफ अदर सप्लायर्स बेसिकली ट्रेडर्स ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडर एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स में प्रिस्क्राइब किया होगा। तो देखिए जो रेट है ना रेट वो कहाँ लिखा हुआ है, रूल 7 में, कि कॉम्पोजिशन के केस में जीएसटी रेट क्या होंगे, तो रूल 7 में लिखा है। कुछ कंडीशंस बोली है या रिस्ट्रिक्शंस बोली है वो कहाँ बोली है, रूल 5 में। तो ये दो रूल आपको आने बहुत जरूरी है, एक है रूल 7 जहाँ पे रेट्स बोले गए, दूसरा है रूल 5 जिसमें आपको कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई है, रिस्ट्रिक्शंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं। चलिए आगे एक प्रोविजो है जो क्या बोलता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये जो लिमिट है 50 लाख वाली उसको एक्सीड कर सकती है अप टू ₹150 lakhs बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन, क्या बाय वे ऑफ इशूइंग अ नोटिफिकेशन विच दे हैव डन इट। पहले 50 लाख का लिमिट था उसको उन्होंने एक्सटेंड करके अब 1.5 करोड़ कर दिया है। तो हमारे लिए कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए लिमिट कितनी है, इट इज 1.5 करोड़। आपको 50 लाख याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे हैव इंक्रीज दैट लिमिट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन ऑलरेडी ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट जो ये आता है वो सेकेंड प्रोविजो जो है वो बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए मतलब मैन्युफैक्चरर, क्लॉज बी मतलब रेस्टोरेंट वाला, क्लॉज सी मतलब अदर कैटेगरी मतलब जो आपका ट्रेडर है, मे सप्लाई सर्विसेज भी सप्लाई कर सकता है अदर देन दोज रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 6B ऑफ शेड्यूल 2 मतलब दैट इज
सिक्स बी ऑफ शेड्यूल टू जो है वो बात करता है आपके रेस्टोरेंट या आउटडोर केटरिंग वाले की बात करता है। तो देखो जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएगा ना वो ध्यान दे दो, कॉम्पोजिशन स्कीम में जो भी जाएगा ही कैन नॉट गिव सर्विसेज, ऐसा हम डिस्क्वालिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं कि वो सर्विसेज नहीं दे सकता, बट जो सबसेक्शन वन है उसका प्रोविजो में सेकेंड प्रोविजो जो है वो बोलता है कि आप जो रेस्टोरेंट वाली सर्विस है उसके अलावा, वैसे तो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन बोलता है कि सर्विस नहीं दे सकते, बट फिर भी हम आपको एक छूट दे रहे हैं कि आप ये अमाउंट तक की तो सर्विसेज दे ही सकते हो। कितनी अमाउंट? 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका टर्नओवर उस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में रहा होगा उसका 10% तक दे सकते हो, और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, 5 लाख या 10% ऑफ योर टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन दैट स्टेट, वो अमाउंट तक का आप क्या कर सकते हो? सर्विसेज दे सकते हो। चलिए अब बिफोर आई गो टू योर सबसेक्शन टू आई वुड लाइक टू क्लियर थ्री थिंग्स, वन इज योर रूल 5, द अदर वन इज योर रूल 7, एंड लास्ट जो ये सेकेंड प्रोविजो था उसका क्या पर्पस है वो क्लियर करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहले मैं जा रहा हूं आपके रूल 5 पे। रूल 5 जो बात करता है कि आपको क्या क्या कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो देखो कंडीशंस क्या क्या है, आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या NRTP का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, आप नॉर्मल रजिस्टर्ड बंदे होने चाहिए, ठीक है। टैक्स टू बी पेड एट नॉर्मल रेट इन केस ऑफ इनवर्ड सप्लाईज जिन पे RCM है, RCM पे आपको वो रिड्यूस रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। RCM पे समझो कोई जो आप समझो GTA का सर्विस ले लिए फॉर एग्जाम्पल, तो GTA का रेट है 5% पे आपको डिस्चार्ज करना है, तो आपको वो 5% पे ही RCM पे करना पड़ेगा, वहां पे रिड्यूस रेट काम नहीं आएगा। रिड्यूस रेट इज ओनली फॉर व्हाट? ओनली फॉर योर आउटवर्ड सप्लाईज एंड नॉट फॉर योर इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। फिर उसको अपने प्रिंसिपल प्लेस पे लिखना पड़ेगा या एडिशनल प्लेस पे लिखना पड़ेगा दैट इज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई पे लिख के चलेगा दैट इज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ना तो वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है ना ही वो ITC ले सकता है जो भी उसके इनवर्ड सप्लाईज है, एंड जो भी वो समझो अगर उसके 3 जगह पे रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र गुजरात एंड राजस्थान, तो कॉम्पोजिशन उसको पैन लेवल पे लेना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता कि 2 स्टेट में रेगुलर और 1 स्टेट में कॉम्पोजिशन, ये नहीं कर सकता। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन, अब मेरा पैन एक ही होगा ठीक है, तो सेम पैन के अंडर जो रजिस्टर्ड है शैल बी रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज टैक्स एट कंसेशनल रेट, मतलब अगर आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर रहे हो तो सारे जितने भी आपके सेम पैन पे GST रजिस्ट्रेशन है सबके लिए कॉम्पोजिशन, अगर आप रेगुलर में जा रहे हो तो सबके लिए रेगुलर, हाइब्रिड सिस्टम फॉलो नहीं हो सकता। चलिए रूल 7 की बात होने के बाद अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको रूल 5 की बात होने के बाद मैं लेके जा रहा हूँ रूल 7 पे। रूल 7 क्या बोलता है देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए रेट कितना होगा? 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी, बट आप अगर आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर हो, पान मसाला के मैन्युफैक्चरर हो, टबैको के मैन्युफैक्चरर हो या एरिएटेड ड्रिंक्स के, किनके आइसक्रीम पान मसाला एरिएटेड ड्रिंक्स और टबैको, तो इसको याद कैसे रखेंगे? आई पैट, आई फॉर आइसक्रीम, पी फॉर पान मसाला, ए फॉर एरिएटेड ड्रिंक्स एंड टी फॉर टबैको, आई पैट के अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसे अगर मैन्युफैक्चरर हो तो रेट क्या लगेगा? तो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, जो भी टर्नओवर है आपका एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट सब मिला के उसका 1% भरना पड़ेगा। ट्रेडर अगर हो आप ठीक है, तो उसके केस में कितना लगेगा? 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे पूरे टर्नओवर का लगेगा, यहाँ पे 1% किसका लग रहा है? टैक्सेबल सप्लाईज का, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। चलिए हाँ जी, अब ये क्लॉज सी वाला बंदा है और ये क्लॉज ए वाला बंदा है, ए वाला मतलब मैन्युफैक्चरर, सी वाला मतलब ट्रेडर, ठीक है।
अब ध्यान से सुनना, ट्रेडर ने समझो टैक्सेबल सप्लाईज भी करता है, एग्जेम्प्ट भी करता है, ठीक है। टैक्सेबल समझो किया इसने 10 लाख का, एग्जेम्प्ट किया समझो 2 लाख का, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। मैन्युफैक्चरर ने 10 लाख, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, और इसने भी किया 2 लाख का एग्जेम्प्ट सप्लाई। नाउ इन केस ऑफ ट्रेडर ही विल बी पेइंग टैक्स 10 लाख का 1%, कितना 10 लाख का 1%, सिर्फ इतना ही पे करेगा। बट मैन्युफैक्चरर के केस में उन्होंने क्या बोला है, देखो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन स्टेट में सब कुछ आता है, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सब कुछ आएगा कि नहीं, हमने अभी पढ़ा डेफिनेशन। तो टर्नओवर इन स्टेट कितना है, 12 लाख का 1%। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर एंड अ ट्रेडर का रेट अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए, अगर ये चीज समझ में आई है तो मैं अब नीचे नेक्स्ट वाले पे जा रहा हूं। अगर आप सप्लायर हो मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड इन शेड्यूल 2 पैरा 6B, मतलब रेस्टोरेंट वाले सर्विसेज दे रहे हो, तो इट विल बी 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। तो जो भी आपका टर्नओवर इन स्टेट है उसका कितना लग जाएगा, 5% लग जाएगा। चलिए, अब एक जो पॉइंट है, हमने बात की थी कि जो रेट है वो हमारे को कहां पे स्पेसिफाइड है, रूल 7 में। अब लिमिट जो है उसकी बात करनी थी कि देखो हमने बात की सर कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जाएगा तो आप कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हो क्या, नहीं। तो एक्ट में इट वाज रिटन दैट 50 लाख तक का आप कंपोजिशन ले सकते हो, जिसको प्रोविजो के थ्रू बोला गया कि ये लिमिट को 50 लाख की लिमिट को हम बढ़ा के 1.5 करोड़ तक कर सकते हैं। तो अब उन्होंने बढ़ा के क्या किया, देखिए एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो वहां पे उन्होंने लिमिट रखी है 75 लाख, मतलब अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो तो 75 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हो, एंड अगर आप अदर स्टेट्स में हो अदर देन स्पेशल कैटेगरी तो आपको 150 लाख तक के टर्नओवर तक आपको क्या मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम आप अवेल कर सकते हो। चलिए, पहले तो हम देखते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है कौन कौन से। हाँ जी, तो ये नोटिफिकेशन था 14/2019 जिसने आपकी लिमिट को 50 लाख की लिमिट थी जिसको उन्होंने एक्सीड करके कितना 1.5 करोड़ तक कर दिया है, राइट। तो वो कौन से नोटिफिकेशन में हुआ है, 14/2017। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से है, तो इसको याद रखने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड मेमोरी टेक्निक जो है उत्तर दो सतनाम। मेमोरी टेक्निक क्या है, उत्तर दो सतनाम। सो उत्तर इज फॉर योर उत्तराखंड, सतनाम एस इज फॉर योर सिक्किम, ए इज फॉर योर अरुणाचल प्रदेश, टी त्रिपुर, एन इज फॉर नागालैंड, ए जो है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है इसलिए मैंने छोटे में लिखा हुआ है, देन देर आर 3 M's, वन इज योर मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो याद रखिए उत्तर दो सतनाम उत्तराखंड, राइट, दो का कुछ नहीं। सतनाम में एस इज फॉर सिक्किम, ए इज फॉर अरुणाचल प्रदेश, टी इज फॉर त्रिपुरा, एन इज फॉर नागालैंड, ए का कुछ नहीं, 3 M, दैट इज योर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। टोटल में कितने हैं, तो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जिनके, वैसे 11 है, बट ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है 8, सिर्फ इनके केस में लिमिट इज 75 लाख, बाकी जो है उनके केस में द रेगुलर लिमिट ऑफ 1.5 करोड़ विल अप्लाई। कौन से बाकी के स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बच गए, आसाम बच गया, राइट, आपका जम्मू एंड कश्मीर बच गया, राइट। तो ये वाले जो है इनके केस में द रेट इज योर नॉर्मल 150 लाख वाला रेट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर कोई बंदा है जिसका नागालैंड में भी बिजनेस है एंड उसका महाराष्ट्र में भी बिजनेस है, तो इसके केस में अब यहां के लिए लिमिट हो गया 1.5 करोड़, 150 लाख, और यहां पे लिमिट है 75 लाख, तो अब मेरे लिए कौन सा लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा, देन इन दैट केस 75 लाख वाला लिमिट विल प्रिवेल। दोनों का अगर टर्नओवर क्रॉस हो गया 75, पैन इंडिया लेवल पे देखते हो एग्रीगेट टर्नओवर, अगर वो 75 लाख क्रॉस हो गया तो इन दैट केस यू विल हैव टू टेक, यू विल बी गोइंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन इन टू रेगुलर स्कीम। इज दिस पॉइंट क्लियर। और अगर सारे रजिस्ट्रेशन नॉर्मल स्टेट में तो कितना लिमिट रहेगा, 150 लाख का।
ऐसा कर सकता हूँ क्या नागालैंड के लिए रेगुलर स्कीम एंड बाकी के लिए कॉम्पोजिशन, ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो आंसर इज नो। इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर सेम पैन, तो आपको हर एक जितने भी पैन है सारे रजिस्ट्रेशन जो वो पैन के अंडर है उनके लिए आपको या तो कॉम्पोजिशन में जाना होगा या फिर रेगुलर में ही जाना पड़ेगा। आप हाइब्रिड सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते। चलिए अब लास्ट पॉइंट जो मेरे को डिस्कस करना था फॉर योर सबसेक्शन वन का, दैट इज वन सेकेंड। हाँ, सो द लास्ट पॉइंट विच देयर वाज इज योर प्रोविजो का थिंग, सेकेंड प्रोविजो विच टॉक अबाउट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो देखो अबाउ पर्सन जो है जो कॉम्पोजिशन में चले गया वो सर्विसेज भी दे सकता है। वैसे सर्विस सिर्फ एक ही अलाउड है जो कॉम्पोजिशन में जा सकती है, वो कौन सी है? रेस्टोरेंट वाली। बट इसके अलावा भी आप सर्विसेज दे सकते हो। समझो किसी की कोई ट्रेडर है, किराने की दुकान है, ठीक है, बट उसको उसके पास एक प्रॉपर्टी है, एक शॉप थी, उसको रेंट पे दे दी है। अब अगर ये बात नहीं लिखी होती यहाँ पे, सुनना आप, ये बात अगर यहाँ पे नहीं लिखी होती तो प्रॉब्लम क्या होता देखना। अब वो अगर वो रेंट पे दुकान चढ़ाए तो उससे जो इनकम आएगी वो अब हो गई सर्विस, राइट? बिकॉज रेंटिंग ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सर्विस। एंड हमने पढ़ा कि अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है तो कॉम्पोजिशन ले सकता है, ट्रेडर है तो ले सकता है, सर्विस वाले में सिर्फ एक रेस्टोरेंट वाला ही बंदा ले सकता है, बाकी कोई भी ले नहीं सकता कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट। सो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट दिस पर्सन वुड हैव बीन आउटसाइड द एम्बिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम और उसको बेचारे को रेगुलर स्कीम में जाना पड़ता इवन दो ही इज अ स्मॉल टैक्स पेयर। सो टू गिव देम अ रिलीफ दिस पॉइंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अर्लियर ये प्रोविजो नहीं हुआ करता था, उन्होंने लेटर ऑन इसको इंट्रोड्यूस किया। क्या बोलता है देखिए प्रोविजो, अबाव पर्सन कैन प्रोवाइड सर्विसेज अप टू 10% ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो था उसका 10% तक दे सकता है, या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो अमाउंट तक का वो क्या दे सकता है? सर्विसेज दे सकता है। मतलब मेरे पास अगर प्रॉपर्टी है और मैं उसको भाड़े पे देना चाहता हूँ तो क्या अमाउंट तक दे सकता हूँ अगर मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है? ये दो अमाउंट तक आई कैन गिव। एक पॉइंट जो नोट करने वाली है वो है इंटरेस्ट इनकम जो होगा शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द परमिसेबल लिमिट। मतलब ये जो 5 लाख और या 10% वाली है उसमें आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट वगैरह जो आप कमाते हो उसको इंक्लूड नहीं करना। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। मिस पलक सिक्किम की रहने वाली है, अ रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी, वॉन्ट्स टू ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या करना चाहती है वो? कॉम्पोजिशन स्कीम में जानना चाहती है। सिक्किम मतलब कितना लिमिट होगा वहां पे? कितना लिमिट होगा भाई साहब? 75 लाख का लिमिट होगा। फॉलोइंग आर दी डिटेल्स इन दिस ऑफ दिस टर्न ओवर ऑफ प्रिसीडिंग एंड करंट फाइनेंशियल ईयर। प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20 and 20-21 का टर्न ओवर आपको दिया है। ट्रेडर थी 71 लाख का उसका टर्न ओवर था एंड इंटरेस्ट इनकम का टर्न ओवर था 14 लाख। इंटरेस्ट वैसे तो हम आगे इसमें पढ़ेंगे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में दैट इंटरेस्ट इनकम इज एग्जेम्प्ट, राइट? अब यहाँ पे देखा जाए तो टर्न ओवर इसका हो कितना रहा है? टर्न ओवर इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज हाउ मच? 585, राइट? इट इज क्रॉसिंग योर 75 का लिमिट, शी कैन नॉट ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम। ऐसा बोल दोगे क्या? तो आंसर इज नो, आप ऐसा नहीं बोलोगे। जब भी आप टर्नओवर देखोगे तो उसमें इंटरेस्ट इनकम जो है उसको एक्सक्लूड करके चलोगे, इंटरेस्ट इनकम को एक्सक्लूड करके चलोगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में? इट वॉज ओनली 71 लाख, विच इज वेल बिलो योर 75 लाख का लिमिट। देयरफॉर शी कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन दिस करंट ईयर। अब करंट ईयर में ऑप्ट तो कर सकती है कॉम्पोजिशन स्कीम, बट शी कैनॉट गिव सर्विसेस, राइट? तो देखो पहला देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर इज 71 लाख, एज इट इज लेस देन 75 लाख शी इज एलिजिबल टू ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम। सेकेंड प्रोविजो जो था वो क्या बोलता था कि आप सर्विसेज दे सकते हो, बट कितने अमाउंट तक की सर्विसेज दे सकते हो? ओनली ऑफ 10% ऑफ योर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्न ओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। अब देखो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्न ओवर था 71 लाख, आपको ये नहीं इंक्लूड करना है इंटरेस्ट का, उसका 10% मतलब कितना आ जाएगा? 7.1 लाख तक के आप सर्विस दे सकते हो या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर। तो श्योरली 7.1 इज हायर,
तो आप 7.1 लाख तक का रेंटिंग वगैरह की सर्विस दे सकते हो। ये 7.1 लाख में अगर आप कोई आगे जाके इंटरेस्ट इनकम कमाते हो, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट इनकम कितनी हो जा रही है, 16 लाख। इंटरेस्ट इज अ सर्विस, आपने किसी को पैसा दिया उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, इट इज अ सर्विस, राइट। हमने सर्विस के डेफिनेशन में पढ़ा था कि मनी वैसे ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है, बट मनी से रिलेटेड अगर आपको यूज ऑफ मनी से रिलेटेड अगर कुछ पैसा मिल रहा है, कंसिडरेशन अलग से, तो दैट विल बी योर सर्विस, राइट। तो यहाँ पे आपको 16 लाख किसके मिल रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम के, किसी को पैसा दिया उसके ऊपर ब्याज दे रहा है, ब्याज इज एन एग्जेम्प्ट इनकम। एंड ये जो सर्विस वाला लिमिट है इसमें वो ब्याज जो 16 लाख का दिया है इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। इंटरेस्ट इज नीदर टू बी इंक्लूडेड इन योर टर्नओवर नॉर विल बी फॉलिंग इन योर सेकेंड प्रोविजो। मतलब देखिए क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर बोल के इशू किया गया था गवर्नमेंट से, विच प्रोवाइड्स दैट लिमिट ऑफ 10 लाख, 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर विल बी इन एडिशन टू एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को आपको लेना नहीं है, इसके अलावा जो होगा, समझो आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दे रखी है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। समझो प्रॉपर्टी थी रेंट पे तो कितनी दे सकते हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना रेंट आप ले सकते हो, अप टू ₹7.1 लाख का अगर आपको रेंट मिल रहा है तो यू विल बी एलिजिबल टू ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम। बट अगर ये 7.5 लाख का अगर रेंट होता तो क्या आप कॉम्पोजिशन में जा सकते हो, तो आंसर इज नो, यू विल नॉट बी एलिजिबल। हाँ जी, देयरफॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट टर्नओवर बीइंग ओवर एंड अबव 7.10 लाख, ही इज स्टिल एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए विद दिस वी आर गोइंग टू योर सेकेंड सबसेक्शन। सेकेंड सबसेक्शन क्या बोलता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन वन इफ, एक तो वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए, नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस नहीं दे सकता। बस जो प्रोविजो टू में लिखा हुआ है, फर्स्ट सबसेक्शन के प्रोविजो टू में जो लिखा हुआ है उतनी सर्विसेज वो दे सकता है, 10% और कितना 5 लाख तक की। ही इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, मतलब नॉन जीएसटी वाली सप्लाईज नहीं कर सकता, ना तो पेट्रोल बेच सकता है ना ही दारू बेच सकता है। ही इज नॉट एंगेज्ड इन एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज नहीं कर सकता, इनवर्ड सप्लाईज कर सकता है क्या, तो आंसर इज येस। नॉट एंगेज्ड इन सप्लाइंग गुड्स थ्रू एन ईको, ईको के थ्रू माल बेच नहीं सकता। हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, क्या उसकी खुद की वेबसाइट है और उसके ऊपर से बेच रहा है तो चलेगा क्या, तो आंसर इज येस। ही कैन नॉट सप्लाई फ्रॉम एन ईको इज एलिजिबल हु इज लायबल टू डिडक्ट टीसीएस, उसके थ्रू नहीं कर सकता बट खुद का प्लेटफॉर्म बना के बेच सकता है तो हाँ बेच सकता है। ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड, कौन कौन से गुड्स है, आईपैड दैट इज योर आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड एरिएटेड ड्रिंक्स, इज दिस पॉइंट क्लियर। और एक रजिस्ट्रेशन के लिए अगर लिया है तो वो सारे पैन जितने भी उसके ऊपर रजिस्टर्ड है उन सब के लिए लेना पड़ेगा, अगर उसने ऐसा हाइब्रिड सिस्टम फॉलो किया तो ही विल बी थ्रोन आउटसाइड द एम्बिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कमिंग टू योर सबसेक्शन थ्री, सबसेक्शन थ्री बोलता है कि आपने अगर ये ऑप्शन अवेल किया है रजिस्टर्ड पर्सन ने तो ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द लिमिट स्पेसिफाइड। समझो मैं नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में हूँ तो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में लिमिट कितनी है, 150 लाख की लिमिट है, ठीक है। अब समझो मेरा टर्नओवर हुआ, समझो 150 लाख क्रॉस हो गया ऑन लेट से जनवरी, जनवरी 10th 2020, इस तारीख को मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया 150 लाख, तो मेरा स्कीम कब लैप्स हो जाएगा, जैसे ही ये डेट पे मेरा टर्नओवर क्रॉस कर गया। नाउ फ्रॉम 11th डेट ऑनवर्ड आई विल चार्ज नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में चले जाऊंगा, कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाऊंगा। एंड इसके बाद जो 11th से मैं सप्लाईज करने लग जाऊंगा उसके ऊपर आई विल बी पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज, उसके ऊपर मैं समझो 5% का रेट है तो 5% रेट चार्ज करूंगा एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी होगा वो भी उसके ऊपर ले पाऊंगा। इज दिस पॉइंट क्लियर। चलिए तो ये होगा कैसे, तो मैंने लिख दिया, देखिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन 7 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, CMP 04
तो वो किधर चले जाएगा, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा तो उसका जो आईटीसी, सॉरी ये एग्जिट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम है, एंट्री 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 एग्जिट की बात है। हाँ चलिए ठीक है, ओके। लेट्स से अ पर्सन इज रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है बना ही देता हूँ मैं आपको। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, लैप्स हो रहा है तो वो किसमें जाना चाह रहा है, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन बनना चाह रहा है, ठीक है। तो कंपोजिशन से अगर नॉर्मल बनना चाह रहे हो तो आप 4 दिन के अंदर जब आप ऑप्ट करते हो तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, CMP 08 फाइल करना पड़ेगा। CMP 08 फाइल करने के बाद आप नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के इसमें चले जाओगे तो फिर जो भी आप पहले कॉम्पोजिशन में थे तो आप ITC ले पाते थे क्या? तो आंसर इज ITC वॉज नॉट एलिजिबल। नाउ दैट यू आर गोइंग इन टू रेगुलर स्कीम, वॉट विल हैपन इज ऑल द गुड्स दैट आर लाइंग इन स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ प्रिसीडिंग यू हैव बिकम नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन विल बी एलिजिबल, राइट। तो उसका आप क्या ले सकोगे, ITC ले पाओगे ऑफ योर इनपुट इनपुट्स, ठीक है। इनपुट्स के ऊपर का 100% आपको ITC मिलेगा, एंड जो आपके कैपिटल गुड्स हैं उनका आपको रिड्यूस्ड ITC मिलेगा, राइट। ये आप ITC आप ले पाओगे। इसके लिए आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा विच इज योर ITC 01। कितने दिन के अंदर अंदर भरना है, तो इट इज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। अब ये जो इनवॉइसेस जिनका आप क्रेडिट लोगे वो 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। अगर आपका जो क्रेडिट है वो 2 लाख से ज्यादा बन रहा होगा तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू एग्जिट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। सो आर सबसेक्शन 3 इज ओवर, नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बोलता है टैक्सेबल पर्सन टू होम द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 अप्लाई शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स। सबसेक्शन 1 मतलब जो कंपोजिशन स्कीम में आया है, शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम रेसिपियंट ऑफ सप्लाईज एंड ना ही विल बी एंटाइटल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब ना ही वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है और ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है। लास्ट पॉइंट जो बोलता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को पता चलता है, रीजन टू बिलीव है कि ये जो टैक्सेबल पर्सन है ये कॉम्पोजिशन टैक्स पे कर रहा है बट एलिजिबल नहीं है तो भी कॉम्पोजिशन में पे कर रहा है, तो उसके ऊपर फिर वो पेनल्टी लगा सकते हैं इवोकिंग सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। 73 इज वेयर इन देर इज अ बोनाफाइड मिस्टेक, 74 इज वेयर देर इज अ मालाफाइड मिस्टेक, मतलब आपने जानबूझ के किया है, राइट। सो दीज आर योर सबसेक्शंस फॉर कंपोजिशन स्कीम। नाउ देर इज वन स्कीम विच वॉज गिवन फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, जो स्पेसिफिकली सर्विस प्रोवाइडर्स थे, छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते थे तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया 2/2019, जिसके द्वारा उन्होंने क्या दिया गया है, उनको कॉम्पोजिशन स्कीम जैसा ही एक बेनिफिट दिया गया। देखिए ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, दिस इज नॉट कॉम्पोजिशन स्कीम माइंड यू, दिस इज अ स्कीम विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाई वे ऑफ नोटिफिकेशन। सो फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख तक आप एलिजिबल हो। रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है इसलिए वो यहाँ आएगा, एंड वो नीदर CTP है नॉर NRTP है। बाकी के डिस्क्वालिफिकेशन सेम है, आप आउटवर्ड सप्लाईज इंटर स्टेट नहीं कर सकते, ईको के थ्रू माल सप्लाई नहीं कर सकते, आप एंगेज नहीं हो सकते किसमें, अल्कोहलिक लेकर या 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स का सप्लाई करने में, एंड आप सप्लाईज किसकी नहीं कर सकते, आइसक्रीम पान मसाला टबैको या एरिएटेड ड्रिंक्स, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते थे। देखो वहां पे अगर कोई ट्रेडर है वो पान मसाला बेच रहा है तो ही इज अलाउड, देर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन अ मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किस पे, सप्लाईज पे, दोनों में डिफरेंस है। वहां पे मैन्युफैक्चर करते तो आप बाहर हो जाते, बट अगर आप ट्रेडर थे और ये सारी चीजें बेचते आइसक्रीम वगैरह तो वहां पे देर वॉज नो एग्जिट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम, यू आर स्टिल एलिजिबल टू ऑप्ट। यहाँ पे क्या है, अगर आप सप्लाईज कर रहे हो, मतलब आप अगर एक ट्रेडर हो और वहां पे नहीं ले पा रहे थे कॉम्पोजिशन स्कीम क्योंकि आपकी सर्विसेज ज्यादा थी ऑफ दैट प्रोविजो का लिमिट, एंड आप इसलिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में आए, राइट, या नोटिफिकेशन में आए,
तो इन दैट केस अगर आप आइसक्रीम बेच रहे हो, पान मसाला बेच रहे हो, टबैको बेच रहे हो या फिर एरिएटेड ड्रिंक्स बेच रहे हो, तो यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर नोटिफिकेशन नंबर 12/2019. अदर फीचर्स आर सेम लाइक योर कॉम्पोजिशन स्कीम, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, टैक्सेबल पर्सन लिख के चलना पड़ेगा कि हमने नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सीटी रेट के अंडर सप्लाई किया है, ना ही चार्ज करेगा ना ही कलेक्ट करेगा. ये जो टैक्स पे करेगा इसके लिए रेट होगा 6% ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, राइट, 6% रेट होगा. आईटीसी नॉट अलाउड. आरसीएम लायबिलिटी उसको नॉर्मल रेट्स पे ही डिस्चार्ज करनी पड़ेगी. सेम पैन पे जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उनके लिए ही लैप टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. एंड जब भी लिमिट चेक किया जाएगा तो एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन योर एग्रीगेट टर्नओवर. दिस इज अबाउट योर कंपोजिशन स्कीम. Now, people who are giving your November attempt, the only difference is जो जुलाई के नहीं है और नवंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके केस में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 है आज के डेट पे उन्होंने इसको मर्ज कर दिया है इन योर कॉम्पोजिशन स्कीम itself. So they have introduced a subsection 2A. क्या किया है? Subsection 2A introduce किया है. चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ. अब देखिए, ओनली फॉर पीपल हु आर गिविंग नवंबर अटेम्प्ट, ये उन्हीं के लिए है, बाकी के लिए नहीं है. तो जो जुलाई वाले हैं वो भले ही अपना कॉम्पोजिशन स्कीम खत्म हो गया है, आप चाहो तो वीडियो यहीं पे स्टॉप कर सकते हो. पीपल हु आर गिविंग नवंबर अटेम्प्ट, प्लीज बेयर इन माइंड नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 नहीं बोलना है आपको. आपको लिखना होगा दैट notwithstanding anything contained in contrary to this act, वो ये बातें लिखी हुई है. अब उन्होंने जो 2A में लिखा, जो 2/2019 का जो नोटिफिकेशन था वो ही यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है और बोला है कि जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है 50 lakh, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है इवन इफ ही इज अ मिक्स सप्लायर. सर्विस वाले को पहले तो हम दे नहीं रहते इसलिए हमको 2/2019 लाना पड़ा, बट हमने अभी एक नया नोटिफिकेशन ही ला दिया 2A, उसके थ्रू आप लोग जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो या गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हो एंड आपका जो प्रोविजो है सेकंड प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1 उससे ज्यादा का सप्लाई हो रहा है, तो इन दैट केस आप अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. एंड आप टैक्स कितने रेट से पे करोगे? वही 6%. बाकी सारी चीजें सेम. ओनली व्हाट दे हैव डन इज दे हैव पुट ऑल दोस थिंग्स व्हिच वर देयर इन योर नोटिफिकेशन 2/2019 इन योर सेक्शन 2A. Is this point clear? So, देखिए वही चीजें बोली है कि आप engaged in making supplies of goods or services which are not leviable to tax under this act. मतलब आप वो supplies नहीं कर सकते जो non GST वाली है, मतलब alcoholic liquor या 5 petro products का नहीं कर सकते. Interstate outward supplies नहीं कर सकते goods की या services की, दोनों की. Engaged in making goods or services की supply through electronic commerce नहीं कर सकते. Manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified, उनका manufacture नहीं कर सकते. Casual taxable person or NRTP नहीं होने चाहिए, और एक पैन के लिए लोगे तो वो सारे पैन के लिए applicable हो जाएगा. वही सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे थी, यहाँ पे उन्होंने लिख दी है. वहाँ पे सिर्फ एक एक जो difference का point है वो ध्यान से सुन लेना. वहाँ पे point जो था ना वो supplies का था, यहाँ पे जब उन्होंने लाया 2A में तो उन्होंने वापस वही गलती कर दी. Manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified. And notified वाली में जैसी थी ना वो iPad वाली, your ice cream, पान मसाला, अब वहाँ पे supplies बोलता था, यहाँ पे they have used the word manufacturer, जिसमें clarification आना is important from the revenue side. So with this friends, I hope समझ में आया composition scheme. Thank you friends, thank you for your patient hearing.